हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, मतलब बिट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ऊपर न्यूमरेटर वाला पोर्शन हम लिखेंगे अभी। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे है 5 cos² 60° लिखा है यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × cos, यहाँ हम 60 लिखते हुए इसका स्क्वायर कर दें, आपको सिखाया था ऐसे लिख सकते हैं हम, प्लस और यहाँ पे क्या 4 × और यहाँ पे sec²30 है जो लिखा हुआ है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि sec 30 का होल स्क्वायर, राइट। फिर माइनस tan² जो 45° लिखा हुआ है, उसको मैं लिख सकता हूँ tan 45° का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये हमारा न्यूमरेटर पोर्शन है, ओके। फिर नीचे आते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 30° का होल स्क्वायर, ओके, प्लस फिर ये कितना है cos 30° का होल स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखो, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 5 × cos 60 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब वहाँ पर cos 60 का हम वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पर लिख दो 1/2 का स्क्वायर, ओके। फिर प्लस, अब यहाँ पर आते हैं 4 × फिर यहाँ पर क्या लिखा है sec 30, ठीक है। तो आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, sec 30 हमारा कितना होता है, 2/√3, कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर कर दो, ओके। फिर यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर कितना लिखा है tan 45, हमें पता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यह हमारा न्यूमरेटर है, ओके। फिर आते हैं sin 30 कितना है हमारा, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस फिर कितना है यहाँ पर cos 30, तो cos 30 कितना होता है हमारा √3/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बस यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया। अब आते हैं, वैल्यू पुटिंग तो हो चुका, अब सॉल्विंग करना है। तो यहाँ पर जगह है नहीं, मैं नीचे चल रहा हूँ, इक्वल टू पहले न्यूमरेटर पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ओके। तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये 1/4 हो गया आपका, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 × ये कितना होगा, सोचो 2/√3 का अगर होल स्क्वायर करें, तो सिंपल से देख लॉजिक है, पहले न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर में जो 2 है उसका स्क्वायर करो, कितना 4 हो गया, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, −1 का स्क्वायर 1, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, राइट। अब आते हैं डिनोमिनेटर, तो नीचे कितना है 1/4 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको करो सॉल्व, तो √3/2 का होल स्क्वायर मतलब √3 दो बार है तो कितना हो जाएगा 3, और 2 दो बार होने से कितना 4 हो गया, 3/4। के बाद मैं साइड में यहाँ पर कर लेता हूँ, तो बोर्डमास रूल पहले मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 1/4 कितना हो जाएगा 5/4, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 16/3, राइट, 16/3, फिर −1, फिर बाय नीचे कितना है, ये सिंपल सा एलसीएम आप ले लो इसका, एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया एलसीएम, ये 1+3, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अब चलो इस पर करते हैं। तो पहले ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चों, पहले उसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 12, इसका मैं ले रहा हूँ एलसीएम, राइट, इसका ऊपर वाला जो है, आपको माउस का कर्सर दिख रहा होगा, ऊपर वाला का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, आपको पता ही है, सब नॉर्मल सॉल्विंग होता है, क्लास 5, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ के आए हो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। कितना होगा 3, तो ये हो गया 15, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 होने से कितना 64, −12, ओके। अब नीचे वाला जो पोर्शन है वो कितना है, 3/1+3, दैट इज़ 4/4, 4/4 मतलब ये तो आपका 1 ही हो गया, राइट। तो सिंपल सा बात है, इसको और थोड़ा नीचे कर देखो, तो एक्चुअली बच्चों जो इक्वल टू होता है ना, यहाँ पर मत दो, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपका, ये तो 1 हो गया आपका, राइट, ये तो 1 हो गया, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ठीक से करो, हाँ एक काम करते हैं, 15 से पहले 12 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना होगा 3, 15 − 12 कितना 3,
थ्री प्लस कर दो इसमें 64 में, तो 67 हो गया ऊपर। ठीक है, समझ में आया? 67 बाय कितना हो गया, 12। और नीचे क्या है बच्चों, 1 है, क्योंकि वो कट गया था ना 4 बाय 4। कुछ भी हम जैसे मानते हैं, जैसे मैंने कहा 2 बाय 1, तो आंसर कितना होता है, 2 होता है। ऊपर मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे मान लो ऊपर मैंने फ्रैक्शन लिख दिया 5 बाय 2, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो आंसर आपका वही होता है, 5 बाय 2 ही होता है, 1 के नीचे कुछ वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, तो हमारा आंसर हो गया 67 बाय 12। तो हो गया हमारा आंसर यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया है। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।